50,000 है जो ऑन टेबल लिटिल बिट निगोशिएबल है, थोड़ा बहुत आने पे निगोशिएट हो जाएगा। नंबर आपके सामने है, आप एम परिवहन पे कार इन्फो पे नंबर जाके जरूर चेक कर लें। तो ताकि अल्टो 800 VXI गाड़ी फर्स्ट ओनर है, गाड़ी इंश्योरेंस वैलिड है, इस पर भी लोन इजिली अवेलेबल है, हम लोग इजिली लोन करवा देंगे 2 साल के लिए। इसकी आस्किंग प्राइस की बात करते हैं तो 2,95,000 है जो ऑन टेबल लिटिल बिट निगोशिएबल है थोड़ा। कैसे हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं KGN मोटर्स समीर, मैं आज आपको अपना फिर से स्टॉक लेके आया हूं। मेरे पास कौन कौन सी गाड़ी अपडेट हुई है नए कलेक्शन के साथ। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ये पहली गाड़ी होने वाली है 2014, आपको फिर से मैं रिपीट करने वाला हूं। आज आपके सामने नंबर यहां है, ये 2014 की गाड़ी है। गाड़ी ना 15 है ना 16 है, 15 लोग बोल रहे हैं, 16 बोल रहे हैं 14 की गाड़ी को, प्लीज इस चीज़ का ध्यान दें आप। आपके सामने नंबर है, एम परिवहन कार इन्फो पे ज़रूर जाके इस चीज़ का चेक कर लें, वेरीफाइड कर लें कि गाड़ी 14 की है कि 15 की है। अगर 14 की है तो क्या रेट होनी चाहिए, आपको 14 की गाड़ी 15-16 बोल के रेट बताया जा रहा है, उस हिसाब से जो हिसाब से रेट होना चाहिए वो रेट नहीं बताया जा रहा है। 14 की गाड़ी को 16 बताया जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान दें। 14 की गाड़ी को 15 बताया जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान दें। आपके सामने नंबर है, काइंडली इसका चेक कर लें। अब स्टार्ट करते हैं, 2014 की गाड़ी है, गाड़ी चली हुई है मात्र 30,000 किलोमीटर, गाड़ी फर्स्ट ओनर है, इंश्योरेंस अपडेट है, सब कुछ कंप्लीट है गाड़ी का, गाड़ी वेल मेंटेन एक्सेलेंट कंडीशन में है। इसका मैं आपको वॉक रन करा देता हूं। टायर की बात करते हैं, टायर भी आप देख सकते हैं 70% टायर है, साइड व्यू भी देख सकते हैं आप, गाड़ी वेल मेंटेन है, एक्सेलेंट कंडीशन में गाड़ी है, बैक व्यू भी देख सकते हैं आप, गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। इंटीरियर की बात करते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंटीरियर, कंपनी फिटेड सीट कवर लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम है, 2 पावर विंडो, गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। 2014 के अल्टो 800 VXI गाड़ी फर्स्ट ओनर है, गाड़ी इंश्योरेंस वैलिड है, इस पर भी लोन इजिली अवेलेबल है, हम लोग इजिली लोन करवा देंगे 2 साल के लिए। इसकी आस्किंग प्राइस की बात करते हैं तो 2,45,000 है जो ऑन टेबल लिटिल बिट निगोशिएबल है, थोड़ा बहुत आने पे देख लिया जाएगा। अगली गाड़ी की बात करते हैं, आइए, अगली गाड़ी होने वाली है 2017 की वैगनर VXI ऑटोमेटिक, गाड़ी फर्स्ट ओनर है, नंबर आपके सामने है, इसको आप एम परिवहन पे कार इन्फो पे जाके फुल्ली सेटिस्फाइड होकर गाड़ी आप चेक कर सकते हैं। गाड़ी 17 की है कि 18 की है, ये नहीं कि हम इसको 19 की बता दें और दाम इसका बता रहे हैं 2,60,000 2,50,000, वो काम नहीं है। 2017 की है तो 17 की है, 2017 की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, गाड़ी चली हुई है ओनली 43,000, इसका मैं आपको वॉकआउट कर देता हूँ। 2017 की वैगनआर VXI ऑटोमेटिक, गाड़ी फर्स्ट ओनर है, गाड़ी चली हुई है ओनली 43,000, गाड़ी फर्स्ट ओनर है, इंश्योरेंस वैलिड है, सब कुछ अपडेट है गाड़ी का। ये आप नंबर आपके सामने है, एम परिवहन पे कार इन्फो पे प्लीज़ जाके इसको चेक कर लीजिए, गाड़ी कब की है आपको फुल्ली डिटेल मिल जाएगा। अब आइए मैं इसका वॉकआउट कर देता हूँ। टायर आप देख सकते हैं, टायर भी आपको 80% टायर है, साइड व्यू भी देख सकते हैं आप, गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, बैक व्यू भी देख सकते हैं आप, इंटीरियर के साथ बीच कलर का कवर लगा हुआ है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमेटिक, आपके सामने चारों पावर विंडो, ORVM कंट्रोलर के साथ गाड़ी चली हुई ओनली 43,000। ये भी टायर देख सकते हैं आप। 2017 की वैगनआर VXI ऑटोमेटिक, गाड़ी फर्स्ट ओनर है, गाड़ी चली हुई ओनली 43,000, गाड़ी के आसिंग प्राइस की बात करते हैं तो 3,90,000 है जो ऑन टेबल लिटिल बिट निगोशिएबल। अगली गाड़ी की बात करते हैं, अगली गाड़ी होने वाली है 2013 की i10, गाड़ी फर्स्ट ओनर है, गाड़ी एक्सेलेंट कंडीशन में है, चली हुई है अप्रॉक्स 41,000 या 42,000 किलोमीटर या 40,000 किलोमीटर, गाड़ी 2013 की है, इसका मैं आपको वॉकआउट कर देता हूँ।
2013 की I10 नंबर आपके सामने है। एम परिवहन या कार इन्फो पे ज़रूर चेक करें कि गाड़ी 13 की ही कि 14 की है। कोई हेर फेर नहीं, कोई फेर बदल नहीं, गाड़ी आपके सामने है, नंबर आपके सामने है। नंबर दीजिए एम परिवहन पे, आपको पूरा डिटेल निकल जाएगा 13 की कब की है, ना कि 14 की है ना 15 की है। गाड़ी 13 की है तो 13 की है। अब मैं आपको इसका वॉक ऑन करा देता हूँ। 70% टायर है, साइड व्यू भी आप देख सकते हैं। गाड़ी बहुत, इंटीरियर की बात करते हैं, नीट एंड क्लीन इंटीरियर के साथ कंपनी फिटेड सीट कवर लगा हुआ है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, चारों पावर विंडो RVM कंट्रोल के साथ, गाड़ी वेल कंडीशन में है। दो हज़ार तेरह की I10 स्पोर्ट्स गाड़ी, फर्स्ट ओनर है, गाड़ी चली हुई है, ओनली 43 या 41,000 अप्रोक्स। इसके आस्किंग प्राइस की बात करते हैं, आस्किंग प्राइस होने वाली है 2,75,000, जो ऑन टेबल लिटिल बिट नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत निगोशिएट हो जाएगा आने पे। अगली गाड़ी की बात करते हैं, आइए अगली गाड़ी की बात करते हैं। अगली गाड़ी होने वाली है हुंडई की I10 स्पोर्ट्स, गाड़ी 2014 की है, फर्स्ट ओनर है, गाड़ी चली हुई है 35,000 का। मैं आपको वॉक ऑन करा देता हूँ। 2014 की हुंडई की I10 स्पोर्ट्स गाड़ी, फर्स्ट ओनर है, नंबर आपके सामने है, आप नंबर काइंडली जाइए एम परिवहन पे, कार इन्फो पे इजीली नंबर डाल के आप फुल डिटेल पता कर सकते हैं कि 14 की ही कि 15 की है। मैं आप उसका वॉक ऑन करा देता हूँ। गाड़ी एक्सीलेंट कंडीशन में है, गाड़ी आप देख सकते हैं। टायर की बात करते हैं, टायर भी ब्रांड न्यू कंडीशन में टायर है, साइड व्यू आप देख सकते हैं। 2014 की गाड़ी है, गाड़ी फर्स्ट ओनर है, स्पोर्ट्स मॉडल, साइड व्यू भी आप देख सकते हैं। सीट कवर लगा हुआ है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, चारों पावर विंडो के साथ, गाड़ी वेल कंडीशन में है। गाड़ी 2014 की I10 स्पोर्ट्स गाड़ी, फर्स्ट ओनर है, गाड़ी चली हुई है 35,000 या 36,000 अप्रोक्स। इसकी आस्किंग प्राइस की बात करते हैं, आस्किंग प्राइस होने वाली है ओनली 3,25,000, जो ऑन टेबल लिटिल बिट निगोशिएबल है, थोड़ा बहुत आने पे निगोशिएट हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गाड़ी का नंबर डाल के एम परिवहन पे, कार इन्फो पे आप रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं कब का गाड़ी है। ये नहीं कि 16 की गाड़ी है 3,25,000 तो आपको लगेगा सस्ता, वैसा नहीं है। अगली गाड़ी की बात करते हैं, अगली गाड़ी होने वाली है टोयोटा की इटियोस लीवा, गाड़ी फर्स्ट ओनर है, गाड़ी वेल कंडीशन में है, नंबर आपके सामने है, 2013 है तो 13 है। मैं आपको इसका वॉक ऑन करा देता हूँ। 2013 की इटियोस लीवा गाड़ी एक्सेलेंट कंडीशन में है, अब आपको इसका वॉक ऑन करा देता हूँ। टायर की बात कर सकते हैं, टायर देख सकते हैं 80% टायर है, साइड व्यू देख सकते हैं आप। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, टॉप मॉडल गाड़ी है, कंपनी फिटेड एलॉय व्हील के साथ, बैक में वाइपर भी है आप देख सकते हैं। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। इंटीरियर की बात करते हैं, ब्लैक कलर का सीट कवर लगा हुआ है, टच स्क्रीन सोनी का म्यूजिक सिस्टम है, दो एयर बैग के साथ, चारों पावर विंडो के साथ, गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। दो हज़ार तेरह की इटियोस लीवा गाड़ी फर्स्ट ओनर है, चली हुई है 46,000। इसकी आस्किंग प्राइस की बात करते हैं तो 3,50,000 है, जो ऑन टेबल लिटिल बिट निगोशिएबल है, थोड़ा बहुत आने पे निगोशिएट हो जाएगा। नंबर आपके सामने है, आप एम परिवहन पे, कार इन्फो पे नंबर जाके ज़रूर चेक कर लें कि जो 2013 है तो 13 है, ये नहीं कि 14 है 15, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगली गाड़ी की बात करते आइए, अगली गाड़ी की बात करते हैं। अगली गाड़ी होने वाली है 2018 की स्विफ्ट गाड़ी, VXI ऑप्शनल है, गाड़ी एक्सेलेंट कंडीशन में है, चली हुई है अप्रोक्स 30,000 किलोमीटर। इसका मैं आपको वॉक ऑन करा देता हूँ। 2018 की स्विफ्ट VXI ऑप्शनल गाड़ी, आप नंबर आपके सामने है, नंबर जाके एम परिवहन पे आप जाके चेक करा सकते हैं। 18 है तो 18, ऐसा नहीं कि 19 बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो रियलिटी है आपके सामने है फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब मैं आपको वॉक ऑन करा देता हूँ। टायर की बात करते हैं, टायर देखिए आप 100% टायर लगा हुआ है, गाड़ी एक्सीलेंट कंडीशन में है, साइड व्यू भी आप देख सकते हैं, बैक व्यू भी आप देख सकते हैं, कंपनी फिटेड एलॉय व्हील, ब्लैक कलर का इंटीरियर, हैंड रेस्ट भी है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, एयर बैग, पावर विंडो के साथ, मिरर एडजस्टर के साथ, गाड़ी एक्सेलेंट कंडीशन में है। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन।
बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी के साथ है। कोई ये नहीं, आप देख सकते हैं, ये चीज़ आपको कोई नहीं दिखाएगा। हमारी फुल ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, 2018 की स्विफ्ट VXI ऑप्शनल गाड़ी, फर्स्ट ओनर है, 2018 की है। इसकी आसिंग प्राइस की बात करते हैं तो 5,25,000 है, जो ऑन टेबल लिटिल बिट निगोशियेबल है, थोड़ा बहुत निगोशिएट हो जाएगा, इस पर भी इजीली हम लोग फाइनेंस करवा देंगे। अगली गाड़ी की बात करते हैं, आइए। अगली गाड़ी होने वाली है 2015 की हुंडई i20 स्पोर्ट्स ऑप्शनल गाड़ी, फर्स्ट ओनर है, चली हुई है 52,000-53,000 किलोमीटर। इसका मैं आपको वॉकआउट करा देता हूँ। 2015 की i20 नंबर आपके सामने है, हाजीपुर का नंबर है, आप जाके एम परिवहन पे कार इन्फो पे जाके चेक कर सकते हैं। गाड़ी 15 है तो 15 है, ये नहीं 16 या 17 आपको नहीं बता रहे हैं, मैं आपको 15 है तो 15 है। गाड़ी i20 स्पोर्ट्स ऑप्शनल, आपके सामने गाड़ी का व्यू है, साइड व्यू भी आप देख सकते हैं। टायर की बात की जाए तो टायर नया ब्रांड न्यू लगा हुआ है, साइड व्यू आप देख सकते हैं, कंपनी फिटेड एलॉय व्हील के साथ। बैक व्यू भी आप देख सकते हैं, गाड़ी एक्सेलेंट कंडीशन में है, i20 स्पोर्ट्स ऑप्शनल, कंपनी फिटेड लगा हुआ सीट कवर। बैक व्यू देख सकते हैं आप, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम के साथ, एयर बैग दो आता है, स्टीयरिंग पे कंट्रोल है, चारों पावर विंडो मिरर एडजस्टर के साथ, गाड़ी वेल कंडीशन में है। टायर की बात करते हैं, नए ब्रांड न्यू टायर लगा हुआ है। 2015 की i20 स्पोर्ट्स ऑप्शनल गाड़ी, फर्स्ट ओनर है, चली भी है 52,000-53,000 किलोमीटर। इसके आसिंग प्राइस की बात करते हैं तो 4,95,000 है, जो ऑन टेबल लिटिल बिट निगोशिएबल है, थोड़ा बहुत आने पर निगोशिएट हो जाएगा। अगली गाड़ी की बात करते हैं, आइए अगली गाड़ी की बात करते हैं। अगली गाड़ी होने वाली है मारुति सुजुकी की बलेनो जेटा, गाड़ी एक्सेलेंट कंडीशन में है, ऑटोमेटिक है, गाड़ी चली हुई है ओनली 22,000-23,000 किलोमीटर। इसका मैं आपको वॉकआउट करा देता हूँ। 16 दिसंबर 2017 की गाड़ी, 18 बोल सकते हैं, 2017 की गाड़ी है, मारुति सुजुकी जेटा ऑटोमेटिक गाड़ी, फर्स्ट ओनर है, चली हुई है 22,000-23,000 किलोमीटर। नंबर आपके सामने है, आप नंबर एम परिवहन पे या कार इन्फो पे जाके ज़रूर चेक कर लें। गाड़ी का मैं आपको वॉकआउट करा देता हूँ। गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी एक्सेलेंट कंडीशन में है, टायर की बात की जाए, कंपनी फिटेड एलॉय व्हील लगा हुआ है, साइड व्यू भी आप देख सकते हैं, बैक व्यू भी देख सकते हैं आप, गाड़ी एक्सेलेंट कंडीशन में है। इंटीरियर की बात करते हैं, नीट एंड क्लीन इंटीरियर, ब्लैक कलर का सीट कवर लगा हुआ है, गाड़ी ऑटोमेटिक है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, एयर बैग स्टीयरिंग पे कंट्रोल, दो दो एयर बैग आता है, चारों पावर विंडो पावर बीएम के साथ, गाड़ी एक्सेलेंट कंडीशन में है। 2017 दिसंबर की गाड़ी मारुति बलेनो जेटा, गाड़ी एक्सेलेंट कंडीशन में है, फर्स्ट ओनर है, 22,000 किलोमीटर चली हुई है। इसके आसिंग प्राइस की बात करते हैं तो 5,95,000 है, जो ऑन टेबल लिटिल बिट निगोशिएबल है, थोड़ा बहुत आने पर निगोशिएट हो जाएगा, इस पर भी हम लोग इजीली लोन करवा देंगे। अगली गाड़ी की बात करते हैं, आइए अगली गाड़ी की बात करते हैं। अगली गाड़ी होने वाली है 2015 की Volkswagen की पोलो GT, गाड़ी पेट्रोल में है, ऑटोमेटिक है, फर्स्ट ओनर है, गाड़ी चली हुई ओनली 29,000 किलोमीटर। इसका मैं आपको वॉकआउट कर देता हूँ। गाड़ी पटना नंबर है, आप देख सकते हैं, एम परिवहन पे कार इन्फो पे जाके चेक भी कर सकते हैं आप। एक्सीलेंट कंडीशन में है, रेड ब्यूटी गाड़ी है, गाड़ी आपके सामने है। टायर की बात करते हैं, टायर भी कंपनी फिटेड एलॉय व्हील के साथ, साइड व्यू भी आप देख सकते हैं, गाड़ी वेल कंडीशन में है, ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, साइड व्यू भी आप देख सकते हैं, बैक व्यू भी आप देख सकते हैं। इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर भी नीट एंड क्लीन इंटीरियर के साथ, ऑटोमेटिक आपके सामने, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, दो एयर बैग स्टीयरिंग पे कंट्रोल, चारों पावर विंडो RVM कंट्रोलर के साथ, गाड़ी वेल मेंटेन है, फुल्ली लोडेड गाड़ी है, पोलो GT ऑटोमेटिक, गाड़ी चली हुई ओनली 29,000 किलोमीटर, आप देख सकते हैं, गाड़ी एक्सेलेंट कंडीशन में है। 2015 की Volkswagen की पोलो GT पेट्रोल में है, गाड़ी फुल्ली एक्सेलेंट कंडीशन में है, फुल्ली लोडेड है। गाड़ी की आस्किंग प्राइस की बात करते हैं, आस्किंग प्राइस होने वाली है ओनली 4,75,000, जो ऑन टेबल लिटिल बिट निगोशिएबल है, इस पर भी लोन इजीली हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे।